हेलो एवरीवन वेलकम टू वेद अकेडमी सो माई सेल्फ तृप्ति और हम आज करने वाले हैं आईएमओ क्लास फाइव का ओलम्पियाड वर्कबुक सॉल्व तो मुझे फटाफट अब कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका ओलम्पियाड का एग्जाम कब होने वाला है और आप किस किस ओलम्पियाड में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ इतनी ईजी हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आगे के वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व तो अब इस वीडियो में हम करेंगे 16 टू 25 क्वेश्चन है मोर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसमें ओके लेट्स डू इट क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑन इज कॉल्ड ऑन ऑबट्यूज एंगल उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं ऑबट्यूज एंगल ठीक है लेट्स डू अनदर पेज। क्वेश्चन नंबर में आपको बोला है इन द द फिगर लाइन परपेंडिकुलर टू एन कौन कौन सा लाइन जो है वो इस एंगल के परपेंडिकुलर में है परपेंडिकुलर लाइन मैंने आपको पहले भी कहा है जो मोर देन नाइन सॉरी जो एग्जैक्ट नाइनटी डिग्री क्रिएट करे उसे आप क्या बोलेंगे पर्पेंडिकुलर लाइन और उसे डिनोट किया जाता है इस तरीके से ठीक है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री मीट करने के बाद या इंटरसेक्ट करने के बाद वो नाइन्टी डिग्री क्रिएट कर रही हो तो यहाँ पे देखिए हर जो लाइन है वो किसी ना किसी तरीके से टेढ़ी है राइट तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही लाइन है ए बी के वो है ई एन एफ जो एग्जैक्ट 90 डिग्री क्रिएट कर रही है है कि नहीं ये देखिए इसके नाइन्टी डिग्री ये क्रिएट कर रहे हैं एग्जैक्ट नाइन्टी डिग्री क्रिएट कर रही है तो ऑप्शन बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर में बोला है ऑफ द फॉलोइंग एंगल ग्रेटर डिग्री कौन सा एंगल है जो ग्रेटर है नाइन्टी डिग्री से ये एक्जैक्ट नाइन्टी डिग्री क्रिएट कर रहा है ये एक्यूट एंगल है ये भी एक्यूट एंगल है तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देती हूं ये देखिए इस तरीके से तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो आप इसे क्या कहेंगे ऑप्शन डी जो है उसे आप कहेंगे एंगल तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19 19 का है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है वॉट इज द अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ अ एंगल शोन इन द गि फिगर जो गिवेन फिगर आपको दिखाया है उसका अप्रोक्सीमेट मेजर क्या है तो आप यहाँ प्रोटेक्टर से कर सकते हैं यहां पे आप चाहे तो प्रोटेक्टर से कर सकते हैं सो आई डोंट हैव अ प्रोटेक्टर टू शो यू है लेकिन मैं एग्जाम्पल से आपको ये समझा देती हूँ ये देखिए ये 90 डिग्री है दिस इज दिस इज 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का हाफ लग रहा है मैंने भी एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं बनाया है लेकिन ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का हाफ लग रहा है मैं अगर स्केल से इसे बिल्ड करती तो इजी हो जाता तो 20 डिग्री तो ये किसी भी हाल में नहीं लग रहा है 90 डिग्री से तो ज्यादा नहीं है ये तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया आपका ये वाला ऑप्शन और ये ट्वेंटी डिग्री तो है नहीं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी

तो यहाँ पे सिर्फ दो ही एंगल है जो 90 डिग्री से कम है दैट इज दिस वन एंड दिस वन ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 21 वन विच इज हॉट द नंबर ऑफ द राइट एंगल इन द गिवन फिगर इज कितने नंबर ऑफ राइट एंगल है इस गिवन फिगर में आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये देखिए ये एक है 90 डिग्री राइट एंगल ना ये टू एक है थ्री एक है ये फोर एक है फाइव एक है आप बोलो कि मैम ऐसे डायग्राम में हमारा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम आ, अगर हम बाहर का अज्यूम कर ले लेकिन like दिस ये देखिए ये वाला ये वाला भी हो सकता है तो हमेशा ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिए जाए ना तो इनर का एंगल कैलकुलेट करो कि आउटर में एंगल ढूंढने मत जाओ अगर आउटर में एंगल ढूंढने जाओगे ना तो आपका मिस्टेक होना गारंटी है इनर में इनर डायग्राम में ही आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ओके तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फाइव विल बी द करेक्ट आंसर ओके लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवेन फिगर ये जो गिवन फिगर है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से फिर हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है द गिवेन फिगर मैं इसे छोटा कर देती हूँ देखने में इजी होगा ठीक है

ये राइट एंगल से बड़ा नहीं है तो नहीं ये गलत है दो एंगल ऐसे हैं जो राइट एंगल से बड़े हैं ठीक है ऑप्शन बी में बोला है द फिगर हैज फोर राइट एंगल फोर राइट एंगल बोला गया है यहाँ पे फिगर में तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे फोर राइट एंगल है या नहीं है नहीं राइट right एंगल तो मुझे नहीं दिख रहा है द फिगर हैज फोर एंगल विच आर मेजर देन विच मेजर लेस देन नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री से लेस ये मेजर कर रहा है यहाँ पे एक एंगल है जो नाइन्टी डिग्री से कम है और यहाँ पे एक एंगल है जो नाइन्टी डिग्री से कम तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके हाउ मेनी एंगल्स इन द गिवन फिगर आर लेस देन नाइन्टी डिग्री कितने एंगल्स है जो लेस देन नाइनटी डिग्री है तो बहुत ईजी है फाइंड आउट करना ये देखिए ये एक दो अंदर से काउंट कीजिएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवेन एंड ट्वेल्व तो ट्वेल्व एंगल ऐसे है

मीट नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं पैरलर लाइन कहते हैं ओके तो यहाँ पे कौन सा पेयर पेयर ऑफ पैरलर लाइन है तो पहला अगर हम देख लेंगे तो डब्ल्यू एक्स एक पेयर है ई एफ एक पेयर है ये वाला फिर वाई जेड एक पेयर है डी एक पेयर है फिर ए डी एक पेयर है जी एच एक जी एच एक पेयर है ठीक है अब यहाँ पे बी सी एक पेयर है एल के एक पेयर है तो तो ये है, उसी हम 25 देख लेते हैं अब हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर इन द आउट साइड ऑफ द गिवन फिगर आउट साइड बोला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये देखिए एक बन रहा है वैसे ही दो तीन चार वैसे ही यहां पे आठ पेयर ऑफ पैरल लाइन फॉर्म हो रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके होप्सू so, आपको ये वीडियो समझ में आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए स्टेट ट्यून एंड बाय